या अंग्रेजों की टट्टी नहीं चाटी जाती हमारे से, ठीक है। इंडियन है तो इंडियन लोग ही पसंद आते हैं, और इंडियन से अच्छा मुझे नहीं लगता कि कोई कोच हो सकता है। मैंने वहां पे कोई पोस्ट बोर्ड नहीं किया, ना मैं कर रहा था, मैं ट्रांजिशंस कर रहा था, और वो चीज भाजी ने पकड़ी, बिकॉज इनका ये भाई, अगर सीवीएम 28 साल का है तो हेयर ट्रांसप्लांट क्यों करा रहा है मेरे भाई, बताओ। उस बंदे ने हेयर ट्रांसप्लांट करा दिए भाई, मैं 34 साल का हूँ भाई। हमने ना खाया कभी एवोकाडो, और ना बासमती राइस खाया वो डबल चाबी, और ना ब्रोकली खाई, सफेद गोभी खाते। राहुल फिटनेस ने विदेशी को शिवम भुवन चौहान एंड अपने नेक्स्ट शो के विषय में क्या अपडेट दिया, प्लस अपनी करेंट टाइम के फिजिक भी यहाँ पर शेयर करते हैं। इसकी कंप्लीट अपडेट हम यहाँ पर लेके आ चुके हैं। एंड लव पिट ने बताया कि वो किस कारण से ताइवान प्रो शो में अपनी बेटर परफॉर्मेंस दे सके, इन सब चीज को हम डिटेल पूर्वक देखने वाले। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपका दोस्त हर्ष पांडे। तो हमारी पहली अपडेट आ रही है नितिन चंडीला की तरफ से। जैसे कि आप सभी को हमने अपडेट दिए थे कि नितिन चंडीला 20 से 25 दिन के बाद किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और आप यहाँ पर इनकी करेंट टाइम की कंडीशन देख सकते हैं कि इनकी बॉडी स्टेज के लिए तैयार हो रही है। आप यहाँ पर इनकी कंप्लीट अपर बॉडी की कंडीशन में देख सकते हैं कि बॉडी शार्प एंड रिप्ड दिख रही। आप यहाँ पर इनके चेस्ट शोल्डर में वेन साफ तौर पर देख सकते हैं, एंड मिड सेक्शन भी अच्छी तरह से यहाँ पर पॉपअप हो रहा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि नितिन चंडीला आज से 15 से 16 दिन के बाद किस प्राइवेट शो में कम्पीट करने वाले हैं, आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट बॉडी बिल्डर के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारी नेक्स्ट अपडेट आ रही है राहुल फिटनेस की तरफ से। राहुल फिटनेस ने विदेशी कोच शिवम भुवन चौहान अपने नेक्स्ट शो एंड इन फ्यूचर वो मेंस फिजिक डिवीजन में खेलेंगे या फिर क्लासिक डिवीजन में, एंड अपनी करंट टाइम की कंडीशन भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो उसको देख लेते हैं। हाँ, भुवन भैया से मेरी बात होती है, काफी कुछ मैंने उन्हें समझाया भाई, मैं उनकी बातों को सुन के चल रहा हूँ। स्टेरॉइड के 5 साइड इफेक्ट मैंने कल भी बताए थे, आज भी बता रहा हूँ। सबसे पहला साइड इफेक्ट आपका लो टेस्टोस्टेरोन, दूसरा आपका एसजीटी एसजीबीटी बढ़ जाएगा, लीवर पे लोड आ सकता है, तीसरा आपके बाल झड़ने लग जाएंगे, चौथा मेरे भाई कोलेस्ट्रॉल वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, और पांचवा मेजर प्रॉपर प्रिकॉशन लोगे तो ये प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। और अगर ये चीज़ें आप एनाबॉलिक यूज़ कर रहे हो और अगर प्रिकॉशन नहीं लोगे तो आपको कोई बचा भी नहीं सकता भाई। ऑब्लिक इम्प्रूव करेंगे भाई, इस बार देखो आप थोड़ा इम्प्रूव तो था ही भाई। बाहर का कोच क्यों हायर करना है, मैंने पूरी जिंदगी इंडियन कोच के साथ बिता दी, 7 साल 8 साल हो गया, आपको मेरी बॉडी में कोई कमी लग रही है क्या, ये बताओ। अंग्रेज करना ही क्यों है भाई, इंडियन कम है क्या किसी से? अपने देश का खाना खाया, अपने देश का पानी पिया, अपने देश की डाइट ली, अपने देश का कोच हायर किया, अपने देश में जिम मारी, क्या कम हो गया किसी से भाई? अंग्रेजों से कम लगता हूँ क्या, ये बता दो। अगर कम लग रहा हूँ तो 2 साल बाद मैं आपको वो भी दिखा दूंगा भाई, ठीक है। ये अंग्रेजों की टट्टी नहीं चाटी जाती हमारे से, ठीक है। इंडियन है तो इंडियन लोग ही पसंद आते हैं, और इंडियन से अच्छा मुझे नहीं लगता कि कोई कोच हो सकता है। वही सारी चीज़ वो बताएंगे, वही हम बताएंगे। अब बहुत नॉलेज आ गई है इंडिया में मेरे भाई, और अच्छे अच्छे कोच है बहुत। वो टाइम गया जब इंडियन के पास नॉलेज नहीं थी, इंडिया में रह के इंडिया का खा के इंडिया के कोच लेके आपको क्वालिफाई करके दिखाऊंगा, आप देखना। कुछ रखने का जुगाड़ दे सकता भाई। हमने ना खाया कभी एवोकाडो, और ना बासमती राइस खाया वो डबल चाबी, और ना ब्रोकली खाई, सफेद गोभी खाते हैं, बीन्स खाते हैं, और वही बासमती टूट खाते हैं चावल में, चिकन वही बॉयलर है, अंडे भी बॉयलर खाते हैं, और आपके सामने बॉडी है, किसी से कम थोड़ी है, 10 चोचले नहीं करते, और बॉडी में कोई कमी नहीं है 1% भी। अभी ब्लड वर्क कराया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बॉडी किसी से कम नहीं है, अगर कम है तो मुझे बता दो आप। उल्टा साला बड़ा ही है, बाइसेप्स बड़ा है। अभी तक मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं करी है, 1-2 वर्कआउट करी हल्की फुल्की, थोड़ा वार्म अप के लिए कि बॉडी बिल्कुल लेजी ना हो जाए। तो आज से मेरी गेनिंग स्टार्ट हो रही है, भैया ने आज से मेरा प्रोग्राम डिजाइन कर दिया था 1 दिन पहले ही, और आज से मैं गेनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज लेग्स का वर्कआउट है, पहले ही ज़्यादा फोकस लेग्स के ऊपर करना है, क्योंकि कुछ नहीं पता मेरा, मेंस फिजिक तो मैं खेलूंगा लेकिन लेग्स भी मैं साथ में ग्रो कर रहा हूँ, जो फ्यूचर में मैं क्लासिक खेल सकूँ। फ्यूचर में ये मत सोचना कि मैं अभी क्लासिक में जाऊँगा, खेलूंगा तो मेंस फिजिक ही, लेकिन लेग्स को स्ट्रांग करते हैं, और आने वाला टाइम पर आपको क्लासिक में भी देखने को मिलूंगा मैं, जब ओलंपिया क्वालिफिकेशन ले लेंगे मेंस फिजिक में ना। और आप यहां पर देख सकते हैं राहुल फिटनेस अपने लेग की कंडीशन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को राहुल फिटनेस के लेग की कंडीशन को देख के क्या लगता है, क्या राहुल फिटनेस
इन फ्यूचर क्लासिक डिवीजन में स्विच कर सकते कि नहीं। यदि राहुल फिटनेस क्लासिक डिवीजन से खेलते हैं तो क्या ये भारत की तरफ से ओलंपिया में टॉप 10 में आ पाएंगे कि नहीं, आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम सुन लेते हैं कि राहुल फिटनेस ने शिवम के हेयर ट्रांसप्लांट के विषय में क्या कहा है। तो एज छुपा के क्या करना है भाई, कोई भाई कह रहा था कि शिवम 28 साल का है, देखो बहुत सारे गाली बकेंगे मेरे को, भाई अगर शिवम 28 साल का है तो हेयर ट्रांसप्लांट क्यों करा रहा है मेरे भाई, बताओ। उस बंदे ने हेयर ट्रांसप्लांट करा दिया, भाई मैं 34 साल का हूँ, हाँ मेरे पिताजी 60 साल के हैं, आप एक बार बताओ 27-28 साल की उम्र में कोई गंजा होता है, चाहे कितना भी माल चला लो। और भाई जिनके पास डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर है, ठीक है, अच्छे से अच्छा कोच है उनके पास, उनके बाल कैसे झड़ जाएंगे मुझे समझ नहीं आता। चलो इंडिया में तो हमारे पास खाने को भी नहीं है ओरिजिनल चीज़ें, है ना, पानी भी यहाँ का थोड़ा हमको ऐसा ही सूट नहीं करता, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा, हमारे बाल झड़ते समझ आते हैं, लेकिन इस एज में मैंने किसी बॉडी बिल्डर के बाल झड़ते नहीं देखे भाई इस एज में। रियली मैं तो सिंपल चीज जानता हूँ, मैं भी अगर मेरे बच्चे भाई 15 साल की बेटी ना हो ना मेरी, तो मुझे भी मैं भी बनवा लूंगा 27-28 साल का, तो मेरे को तो भाई नहीं लगता कि 28 साल का है। इस बात की हकीकत जानने के लिए क्या शिवम 28 साल के हैं कि नहीं, हम इंटरनेट पे जाते हैं, वहाँ पास उनका नाम सर्च करते हैं, फिर उसके बाद विकिपीडिया पे क्लिक करते हैं जहाँ पास उनकी डेट ऑफ बर्थ के सामने लिखा है 2 फरवरी 1995, एज 28। तो दोस्तों यहाँ पास इंटरनेट के द्वारा जो हमको डाटा प्राप्त हो रहा वहाँ पास तो ये यही प्रूव कर रहा कि जो शिवम की एज है वो 28 साल ही है। तो दोस्तों आप लोग क्या लगता है, क्या शिवम 28 साल के हैं या फिर वो यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं, आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जब हम शिवम के विषय में ही बात कर रहे हैं तो हम आपको उनकी अपडेट भी दे देते हैं। शिवम हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद इस फोटो को शेयर करते हैं और इसके नीचे कैप्शन में कहते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ क्योंकि अब मुझको अगले 30 दिन तक किसी भी प्रकार का वर्कआउट मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। नए साल में मेरे लिए खुद को चैलेंज होगा कि मैं अपनी बॉडी की इस कंडीशन को वापस से 6 हफ्तों के भीतर ला पाऊंगा कि नहीं। तो दोस्तों आप लोग क्या लगता है, क्या शिवम 6 हफ्तों में अपने बॉडी को उसी शेप में लेके आ पाएंगे कि नहीं, आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट बॉडी बिल्डर के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारी नेक्स्ट अपडेट आ रही है लवप्रीत की तरफ से। सबसे पहले हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि लवप्रीत अपने घर पहुंच चुके और घर पहुंचने के बाद उनका भव्य स्वागत हुआ, जैसे कि आप यहां पर वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि उनको फूल और माले पहनाए जा रहे हैं एंड उनके घर के बाहर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। इसके आगे लवप्रीत की तरफ से ऑफिशियल रूप से अपडेट आती है, वो यहाँ पर बताते हैं कि वो ताइवान प्रोसो की अपनी तैयारी किस प्रकार से किए थे। मुंबई प्रोसो खत्म होने के बाद लवप्रीत एंड हैरी संधू ने मुंबई प्रोसो के टाइम के कुछ वीडियो देखे कि लवप्रीत की कंडीशन टॉप नॉच होने के बावजूद भी उनकी प्लेसिंग फिफ्थ में क्यों रखी गई। तो जब वो यहाँ पर वीडियो देखते हैं तो वो यहाँ पर देखते हैं कि जो लवप्रीत है वो अपनी पोज को होल्ड नहीं कर पा रहे, जो उनकी एक पोज से दूसरी पोज में जाने का जो समय वो काफ़ी कम है, मतलब कि जो उनका ट्रांजिशन है वो काफ़ी तेज होने के कारण से जो जज है वो लवप्रीत की बॉडी को अच्छी तरह से देख ही नहीं पा रहे थे। तो इन सब चीज़ में सुधार करते हुए जब लवप्रीत ताइवान प्रोसो में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनकी प्रेजेंटेशन काफ़ी बेटर दिखती है मुंबई प्रोसो की अपेक्षा। आप यहाँ पर ताइवान प्रोसो के टाइम की इनके इंडिविजुअल पोजिंग के समय का वीडियो भी देख सकते हैं कि लवप्रीत अपनी पोज को काफ़ी लंबे समय तक होल्ड कर रहे हैं। तो इसी कारण से आज लवप्रीत एक इंटरनेशनल प्रोसो में टॉप 3 में यहाँ पास आते हैं। तो दोस्तों लवप्रीत हमारे दूसरे इंडियन बॉडी बिल्डर हैं जो किसी अदर कंट्री के प्रोसो में जाके थर्ड प्लेसिंग यहाँ पर लेके आ चुके हैं, क्योंकि इसके पहले केवल भुवन चौहान पर्स या तो प्रोसो जीतते थे या फिर उनकी थर्ड या सेकंड प्लेसिंग आती थी। आज लवप्रीत हमारे सेकंड इंडियन बॉडी बिल्डर हो गए जिन्होंने एक इंटरनेशनल प्रोसो में ब्राउन मेडल जीता है। तो आप सभी को लवप्रीत के लिए बेस्ट विशेस एंड कांग्रेचुलेशन लिखना मत भूलिएगा। And we are home with the and this medal actually really is very beautiful. It's very nicely made, very heavy. मतलब कि amazing. इसके पीछे जितने effort लगे हैं वो भी बहुत heavy हैं. हैरी भाई जितने effort लगे हैं. Team effort है इसमें. मैं जरूर कहूँगी, इसमें भूल जाऊँगी. इसमें मैं हम पहले भी बात कर रहे थे कार में भी कि ठीक है ये मैं लवप्रीत का medal है, हम नहीं deny कर रहे हैं, इसका ही है. बट इसके साथ बहुत बंदों की इट्स अ टोटल टीम एफर्ट. चलो मेरी तो छोड़ो बात, सबसे पहले एंड वेरी इंपॉर्टेंटली अर्श हो गया, गगन हो गया, लवप्रीत के मदर हो गए, सिस्टर हो गए, फिर हमारी टीम वाले सारे के सारे, चाहे वो मनदीप है, चाहे रोहित है, चाहे जय है, चाहे मनजीत है, या कुशांक, कोई भी बंदे हैं, सारे हर बंदे ने कोई ना कोई रोल प्ले किया है, उसके बिना नहीं पॉसिबल है, चाहे छोटा चाहे बड़ा है. And it this is I call this truly
truly a team win. You know, it's a and it's India's win. More than luck, it's India's win. Yes, it's India. I truly believe that you know that India ne third place secure ki hai world se pe jaake. कंपीटिंग विद जो फर्स्ट टू जो बंदे आए थे वो दोनों ही ओलंपियंस थे एंड बुके भी तो है ही है जो जो मुझे मिला है ना सब कुछ ये देखो बाकी केक वगैरह सो बाकी लीव इट टू लवप्रीत लवप्रीत जो आपने कहना है मैंने जो बिल्कुल एक जो एक्साइटमेंट मेरी वहीं से थी ना आने की कि बस मुझे हमेशा से ये होता है जब मैं शो कर खेलता हूँ ना और स्पेशली जीतने के बाद ये होता है कि मैं घर जाऊं बस बाहू यहाँ और वो मेरा एक दिन बड़ा मुश्किल से निकला है आज का दिन भी चलो फ्लाइट में निकल निकल गया जैसे करके और जो यहाँ आने तक का फाजी से मिलने तक का ये हमारा बहुत इमोशनल बॉन्ड है जो हम शेयर करते हैं वो सिर्फ वही बंदा जान सकता है जिसका खुद का कोच हो और जिसके उसके साथ रिलेशन ऐसे हो जैसे हमारे हैं सो मोर देन अ कोच एंड स्टूडेंट हमारा फादर सन वाला रिलेशन है और आई ट्रूली एडमायर हिम लाइक मैं फादर फिगर वो ऐसे ही है और हमेशा मुझे इतना ही प्यार करते हैं इतने मुझे गाइड करते हैं नहीं तो एक बज गया हमारा देखो आई नहीं सेलिब्रेशन वी कैन नॉट शो यू एक्चुअली हमारी फैमिली भी है आसपास हमारे फॉल बंदे हैं इधर आए हुए हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं आते ही सेलिब्रेशन शुरू होगी मैं और आपको भाजी बात बताता हूँ जितने बंदे भी मुझे ताइवान एयरपोर्ट पे वियतनाम एयरपोर्ट पे पंजाबी मिले इवन इन प्लेन पाजी सबको मेरे बारे में बोला अच्छा और जान दो सो गॉड इज गुड गॉड इज ग्रेट गॉड इज काइंड सो आप सबका प्यार है मिलने लग पड़ा है दिखने लग पड़ा है लोग बाहर भी जाने लग पड़े हैं इधर भी जाने लग पड़े हैं थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट ऐसे प्यार करते रहे और अब सेलिब्रेशन जश्न शुरू हो गए हैं खाएंगे ये चलेंगे मीठे के बाद फिर नमकीन खाएंगे बिरयानी खाएंगे कश्मीरी बिरयानी खाएंगे उसके बाद हम फिर ये खाएंगे वापस और वे कंटिन्यू करेंगे थैंक यू भाई थैंक यू अपना ये तो टीम वर्क इट्स योर विन एंड दिस वंस अगेन थैंक यू सो मच गगन पाजी माय ट्रेनर उनका इसमें बहुत बड़ा रोल है बिकॉज आफ्टर माय कोच वही मुझे थे वहां पे जो मुझे ट्रेनिंग में हमेशा पुश किया जिन्होंने उनके फादर की डेथ भी हुई लास्ट के कुछ दिनों में और उन्होंने तब भी मुझे जितना हो सका उन्होंने उतनी मेरी हेल्प की है उतना मुझे ट्रेन करवाया पिछले प्रो कार्ड में भी हमने उन्होंने मुझे ट्रेन किया था इस बार भी उन्होंने बहुत हेल्प की उन्होंने हमेशा अपना जिम प्रोवाइड किया मेरे लिए एंड रेस्ट इन पीस हिज फादर सोल बाकी गगन पाजी थैंक यू सो मच